स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, चैप्टर फर्स्ट, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले क्लास में जो है हम लोग इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे और कुछ आप लोग उसको सुन के लिख भी लिए होंगे। तो आज हम लोग जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं, डिस्कवरी सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में जो है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेल को डिस्कवर कौन किए थे। तो सेल के जो इन्वेंटर थे, जो डिस्कवरर थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक नाम था इनका। और सेल, जैसे मान लिया गया एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, जैसे मान लिया गया ये आपका सेल है, ठीक है। तो ये जो है सेल जो खोजा गया, इसको सबसे पहले जो है जो देखे वो माइक्रोस्कोप में, वो कौन देखे? माइक्रोस्कोप में नहीं देखे, वो तो ऐसे ही जो स्लाइस में देखे थे, तो रॉबर्ट हुक साहब देखे थे। और उसके बाद जो है ये सेल के जो है इन्वेंटर हो गए, है ना। उसके बाद जो है न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है न्यूक्लियस का खोज किए थे। और वो न्यूक्लियस जो होता है, इस सेल के बीच में जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो है रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है खोजे, कहता है कि इसके अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को जो खोजे थे, प्रोटोप्लाज्म का जो पता लगाए थे, उनका नाम था पुरकिंजे साहब जो है प्रोटोप्लाज्म का पता लगाए। अब कहता है कि यहाँ पर जो है सेल के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस के जो खोजकर्ता थे उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन, जो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव दर्व, तो इसको जो खोजे थे उनका नाम था पुरकिंजे। कहता है कि एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वान लीवेनहॉग जो है वो सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप में इसको देखे। एंटोनी वान यानी कि लीवेनहॉग जो है ये सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप में इसको देखे, है ना। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप में देखा गया था सेल को और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी हुई, वो एंटोनी वान लीवेनहॉग साहब ने देखा माइक्रोस्कोप। कहता है कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप जो है हम लोग जो देखते हैं, माइक्रोस्कोप तीन तरह का होता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो बाद में एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिनका नाम था एम नॉल एंड ईरस का, दो साइंटिस्ट थे एम नॉल एंड ई रस का, ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को देखे। और कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको जो है उसके अपने रियल साइज से जो है लगभग 20,000 गुना बड़ा दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और कहता है कि जब ये एक चीज़ और आया कि सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। यानी कि सेल थ्योरी जो दिए उनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान, SCH। स्लाइडेन एंड स्वान, स्वान स्लाइडेन एंड स्वान जो है ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर के जो है सेल थ्योरी को दिया। तो अब हम लोग जानते हैं कि सेल तो प्लांट में भी है, प्लांट का बॉडी भी सेल का बना हुआ, एनिमल का बॉडी भी
सेल का बना हुआ है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट का जो नाम लिखा गया है, स्लाइडन एंड स्वान, तो स्लाइडन साहब जो है प्लांट सेल थ्योरी दिए थे और एनिमल सेल का जो थ्योरी दिए थे वो स्वान साहब दिए थे, लेकिन दोनों जर्मन साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर के जो है एक थ्योरी दिया जिसको कि हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। वो सेल थ्योरी जो है प्लांट सेल में भी लागू हो गया और एनिमल सेल में भी लागू हो गया। तो स्लाइडन एंड स्वान साहब जो है सेल थ्योरी दिए, और एक साइंटिस्ट थे विरचाव, विरचाव नाम के एक साइंटिस्ट थे जो ये बताया कि कोई भी सेल जो डिवाइड होता है वो अपने पहले वाले सेल यानी कि पेरेंट सेल को ही डिवाइड करके एक से दो सेल का निर्माण हो जाता है, चाहे वो प्लांट बॉडी में हो चाहे वो एनिमल बॉडी में हो, यानी कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का जो थ्योरी था वो विरचाव नामक एक वैज्ञानिक थे जो दिए। ये जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात को पढ़ें, फिर हम लोग इसको जो है एक बार दोहरा देते हैं कि सेल को जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक साहब देखे, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसको जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साहब देखे, सेल के अंदर जो ये फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, चिपचिपा द्रव है, इसको सबसे पहले जो देखे वो जिसको कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसको देखे पुरकिंजे साहब। माइक्रोस्कोप में जो इसको मैग्नीफाइंग किया गया था वो सबसे पहले जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब किए देखे थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इसको देखा गया बहुत क्लियर वे में देखा गया, एक एक जो उसमें मतलब इसमें सेल के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनेल्स है उसका जो स्टडी हुआ वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा गया था। इसमें दो साइंटिस्ट थे एमनॉल एंड इरस्का नाम के वैज्ञानिक थे जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को एग्जामिन किए थे। उसके बाद जो है सेल थ्योरी दिया गया था, सेल थ्योरी में जैसे प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों का बॉडी जो है सेल का ही बना हुआ है, तो प्लांट सेल के बारे में जो है जो सेल थ्योरी दिए वो स्लाइडन साहब दिए, एनिमल सेल का जो थ्योरी दिए वो स्वान साहब दिए। यहाँ पर सिर्फ सेल थ्योरी लिखा हुआ था इसलिए जो है दोनों साइंटिस्ट का नाम एक साथ जोड़ करके लिख दिया गया, स्लाइडन एंड स्वान जो है मिल करके सेल थ्योरी दिए। और सेल का जो डिवीज़न हुआ वो अपने पेरेंट सेल से ही होता है, उसको जो है सबसे पहले जो है बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है विरचाव। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जाएंगे, किसमें जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जब जाएंगे तो हम लोग जो है ये देखते हैं कि ये जो है एक सेल है, एक टिपिकल सेल है, क्या है, एक टिपिकल सेल है, और इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि सेल को मोटा मोटी जो है हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक जो है इसका ये मिम्ब्रेन है, ये मिम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर्ड मिम्ब्रेन है, टू लेयर्ड मिम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मिम्ब्रेन, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मिम्ब्रेन, ये जो है फर्स्ट पार्ट हुआ, ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा जो है ये हम लोग देख रहे हैं ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ये जो है सेल का दूसरा पार्ट हुआ, पहला पार्ट प्लाज्मा मिम्ब्रेन जिसको कि हम लोग सेल मिम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मिम्ब्रेन भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा पार्ट हो गया इसका न्यूक्लियस, तीसरा पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि सेल के स्ट्रक्चर को जो है हम लोग तीन भाग में बांट दिए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेल जो है प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी, मतलब कि प्लांट का बॉडी भी सेल का बना हुआ है, एनिमल का भी बॉडी सेल का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लांट बॉडी में जो सेल मिम्ब्रेन होता है, सेल मिम्ब्रेन के बाहर भी जो है, जैसे मान लिया गया एक स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं छोटा सा, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये आपका सेल मिम्ब्रेन है, तो ये इसका क्या है, सेल वाल है, सेल वाल है। तो प्लांट सेल का जो सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग सेल वाल कहते हैं, ये सेलुलोज का बना होता है
और ये जो है टर्जिड होता है, और ये जो है सेल को प्रोटेक्ट भी करता है आउटर अटैक से, और सेल का जो ऑर्गेनेल्स जो अंदर में है इसके, उसको भी जो है ये बाहरी आघातों से बचाता है, और सेल को जो है एक सही शेप एंड साइज भी देता है सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, लेकिन इसमें भी प्रोसेस होता है, और इसके जरिए जो है मतलब प्लाज्मोलाइसिस होता है, और जो वाटर वगैरह होता है वो उससे भी डिस्चार्ज बाहर में ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए होता है। तो अगर मान लें यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, तो अगर मान लें प्लांट सेल का लिखेंगे तो यहाँ पर जो है एक डबल मेम्ब्रेन कर देंगे जिसको कि हम लोग सेल वॉल बोले, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या हो गया कि सेल वॉल हो गया। अब आइए कि इसको जब हम लोग तीन पार्ट में बांटे सेल को मोटा मोटी, कि पहला जो है सेल मेम्ब्रेन बोले, दूसरा जो है साइटोप्लाज्म बोले, तीसरा पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोले। अब जो है इसको समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का जो सबसे आउटर लेयर है, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में समान रूप से पाया जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें छोटा छोटा पोर्सेस होता है, यानी कि छोटी छोटी छिद्र होती है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, यानी कि अगर बगल वाले सेल को कुछ चाहिए तो वो जो है मतलब एक प्रोसेस होता है जिसको डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न प्रोसेस के जरिया, यानी कि डिफ्यूज़न कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थों का बहाव। तो इस ढंग से जो है उसमें क्या होता है कि सेल के अंदर में कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वो सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जो पदार्थ को बाहर निकलना था वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन जो प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है तो कहता है कि ये मतलब बगल वाले सेल को सब चीज़ नहीं देगा, जो चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसी को ये बगल वाला सेल जो है बगल वाले सेल को ये देगा, यानी कि सेलेक्टिवली है ये, इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल को एक शेप एंड साइज भी देता है। ये समझ में आ गया। अब आइए दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है एक विस्कस फ्लूइड है, यानी कि चिपचिपा है, और कहता है कि ये ट्रांसलूसेंट भी है। ट्रांसलूसेंट का मतलब ये हो गया कि धुंधला दिखाई देने वाला है ना। पदार्थ तीन तरह का होता है, एक जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है, और एक जो है ट्रांसलूसेंट होता है। तो ओपेक में क्या होगा कि आर पार दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि आर पार आप देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि आपको धुंधला नजर आएगा, दिखाई तो देगा लेकिन वो धुंधला दिखाई देगा। तो साइटोप्लाज्म जो है ये ट्रांसलूसेंट फ्लूइड है, और कहता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर में जो है सेल का बहुत सारा ऑर्गेनेल्स है, सेल का बहुत सारा ऑर्गेनेल्स है, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, आपको वैक्यूल्स हो गया है ना, और आपको जो है यहाँ पर अंदर में जो है क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं वो हो गया, और आपको जो है वैक्यूल्स हो गया। तो ये जो है ये सब स्ट्रक्चर जो है आपको सेल के अंदर ही यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आता है, ठीक है। अब जो है ये समझ में आ गया साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म जो है एक विस्कस फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ये विस्कस है, ट्रांसलूसेंट है, और इसके अंदर जो है बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। जैसे अभी हम बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है ना। और उसके बाद बताया गया कि आपको जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस ढंग से जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में सेल का बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता है। सभी ऑर्गेनेल्स का जो है अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सब अपना अपना काम जो है अपने अपने अंदाज में करता है, जिसको जिसका जो काम है वो करता है। उसके बाद हम लोग सेल का जो तीसरा जो सबसे मेन पार्ट था स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। कहता है कि सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस ही जिम्मेदार होता है
सेल के डिवीजन कराने के लिए। सेल का डिवीजन अगर नहीं होगा तो एक सेल से दो सेल बनेगा नहीं, सेल में ग्रोथ नहीं होगा, है ना। यानी कि न्यूक्लियस में जो खास करके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको कि क्रोमोसोम कहते हैं, ये हेरिडिटी यूनिट्स भी जो है देता है। और यहाँ पर कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक दर भरा रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं इसको, न्यूक्लियो मतलब कि केंद्रक द्रव कहते हैं। और कहता है कि हर सेल में जो है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन कहता है कि एक न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियाई होगा, दो न्यूक्लियोलस होता है जिसको कहते हैं हम लोग, दो न्यूक्लियोलस होता है। यही न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो कहता है कि इसको जो है हम लोग जो ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो दर भरा हुआ था उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज हम लोग जो है 9th क्लास को यहीं तक बताया, उसके बाद कल जो है हम लोग सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग करके हम लोग डिफाइन करेंगे।